अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसी हफ्ते अयोध्या का दौरा करने वाले हैं, जानकारी ये मिल रही है, जिसे लेकर यूपी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद ने कहा कि जब कोई हताशा निराशा के दौर से गुजरता है तो वो सुध बुध खो बैठता है और इसलिए वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है उसे पता नहीं रहता। वही हताशा और निराशा के दौर में चलता है तो क्या करना है क्या नहीं करना है वो सुध बुध सब खो देता है, इसलिए कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं जब उनको खुद इस बात का ज्ञान नहीं है तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के हड़बड़ी में कदम उठाए जाते हैं। तो मिशन यूपी 2022 को लेकर नेता विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अखिलेश यादव को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने अखिलेश के बात की तुलना जानवर से कर डाली, सुनिए। समाजवादी पार्टी समाप्त होती पार्टी, अखिलेश यादव की बात पर कुत्ते की लात में कोई भरोसा नहीं है, कब कहां क्या निकल जाए। आप सोचिए जो व्यक्ति केवल वोट की लालच में कैसे हमारे को मुस्लिम समाज का वोट मिले, जिन्ना को आदर्श बताता है इस देश में। कल कहो कि वोट की लालच में इस देश का राष्ट्रपिता और अपने पिता के समतुल्य ओसामा बिन लादेन को वो खड़ा कर दे, केवल वोट कैसे बढ़ जाए इसके लिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन योगी के अयोध्या से लेकर मथुरा तक से चुनाव लड़ने की चर्चाओं ने सियासत को गर्मा दिया है। इस बीच भाजपा नेताओं की ओर से इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। मथुरा से भाजपा सांसद ने कहा कि अगर वो मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो ये मथुरा के लिए अच्छी खबर होगी। मुख्यमंत्री क्या करने वाले हैं हमें नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि वो इधर से लड़ सकते हैं, तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है। मथुरा के लिए बहुत विकास होगा ऐसा सब लोग कहते हैं। वो यहाँ से नहीं लड़ेंगे, वैसे ही मुख्यमंत्री बनकर भी बहुत कुछ हमारे मथुरा के लिए कर रहे हैं। तो हेमा मालिनी को आपने सुना, जो कि मथुरा से सांसद हैं, और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहाँ से चुनाव लड़ेंगे ये बात वही जानते हैं, लेकिन अगर वो मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो ये मथुरा के लिए अच्छी बात होगी, मथुरा का बहुत विकास होगा। वैसे तो मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने मथुरा को कई सौगातें दी हैं, विकास की रफ्तार यहां पर बढ़ी है, लेकिन मथुरा की जनता चाहती है कि मुख्यमंत्री मथुरा से चुनाव लड़ें।